माई चैनल दी बायो वर्ल्ड, हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। हम लोग बात करने हैं लेक्चर नंबर 4 कॉल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट होता है एसोसिएटेड ग्लैंड, या हम इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। यस सर, इसके दो पार्ट होते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दो हिस्से होते हैं या दो पार्ट होते हैं। यस सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने एलिमेंट्री कैनाल और हम इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड के फॉर्म में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी लिखते हैं और सेम डायग्राम को देखते हुए हम यहाँ पे लिखते हैं। यस सर, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यस सर, नंबर वन इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं इसके अलग अलग हिस्से होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। कैपिटल ए जो इसका पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं माउथ। इसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फैरिंग्स। इसका तीसरा हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, या हम इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं। फैरिंग्स को हम थ्रोट भी बोलते हैं। जो डी पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं स्टमक। ई पार्ट को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देन नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। यस सर, ये डायग्राम जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनको ये व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल दिया गया है। यस सर, आपको आपने ऑलरेडी इसको इस डायग्राम को 3 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। यस सर, तो आप इसको अच्छे से सेव करके रखिए अपने मोबाइल में। देन एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर 5 टाइप के ग्लैंड होते हैं। नंबर वन, नंबर ए को हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। नंबर बी पार्ट को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। लीवर आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड आपके बॉडी का सबसे बड़े ग्लैंड को हम लोग लीवर बोलते हैं। फिर आता है पैंक्रियास और फिर लास्ट में आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। यस, तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब हम लोग क्या करेंगे, हम वन बाय वन हर एक कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट माउथ के बारे में बात करते हैं। यस सर, एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट पार्ट के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ। तो एग्जैक्टली माउथ है क्या? माउथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एंटीरियर मोस्ट ओपनिंग है। इट इज़ अ स्लिट लाइक एंटीरियर मोस्ट ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जब भी हम माउथ के बारे में बात करते हैं तो हमको 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी। पहला जो कंपोनेंट होता है उसको हम पैलेट बोलते हैं, दूसरा है टीथ और तीसरा है टंग। जब हम इन 3 कंपोनेंट के बारे में पढ़ाई कर लेंगे तो आपका माउथ का पार्ट डन हो जाएगा। यस सर, तो वक्त हो गया है कि हम सबसे पहले पैलेट के बारे में बात करेंगे। यस सर, वी गोना टॉक अबाउट द पैलेट। अब ये पैलेट एग्जैक्टली है क्या?
ये जो पैलेट होता है आपके माउथ का रूफ है, यस सर, माउथ का रूफ है, छत है, यस सर, उस छत को हम बोलते हैं पैलेट। सो माउथ को हम लोग बोलते हैं रूफ ऑफ बकल कैविटी। कैविटी का मतलब होता है ओपन स्पेस, तो ये जो खुला पार्ट है माउथ, इसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। और इस बकल कैविटी का जो छत होता है, जो रूफ होता है, वो पैलेट होता है, यस सर। ये जो पैलेट होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। ये जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं, वाइल पोस्टीरियर पार्ट को हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। आप अच्छे से समझ लो कि ये जो वर्ड होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, इनका मीनिंग क्या होता है। एंटीरियर का मतलब होता है क्लोज टू द माउथ, वाइल पोस्टीरियर का मतलब होता है अवे फ्रॉम द माउथ। तो ये अगर छत है तो इसके जो फ्रंट पार्ट है, आगे का जो पार्ट है, फ्रंट का पार्ट है, उसको हम लोग एंटीरियर पार्ट बोलेंगे, वाइल पीछे का जो पार्ट है माउथ के अंदर, छत का जो पीछे का पार्ट है, उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट। इज दैट क्लियर? ये जो एंटीरियर पार्ट है इसको हम हार्ड पैलेट बोलेंगे, यस सर, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलेंगे। अब ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये टिश्यू से बना रहता है, जबकि ये जो हार्ड पैलेट होता है वो बोनी होता है, छत बनाता है। ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है इसका जो पीछे का पार्ट होता है, द लास्ट पार्ट, सॉफ्ट पैलेट का जो लास्ट पार्ट होता है, ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है, ये सॉफ्ट पैलेट का जो लास्ट पार्ट होता है, आखिरी हिस्सा, वो हैंग होता है नीचे की तरफ एक फ्लैप के फॉर्म में, नीचे की तरफ हैंग होता है, यस सर। अभी आप ये डायग्राम में देखिए, यस सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, आप नंबर वन देखिए, नंबर वन हार्ड पैलेट है, यस सर। अब ये जो हार्ड पैलेट है ये आगे के साइड में है, मतलब एंटीरियर पार्ट है ना। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये हार्ड पैलेट पीछे की तरफ जा रहा है हमारे इस डायग्राम में, ये सॉफ्ट पैलेट बनाता है ना। ये जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट जैसे 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 डायग्राम में पीछे जाता है, वो नंबर तीन बनाता है। नंबर तीन क्या है? नंबर तीन सॉफ्ट पैलेट का लास्ट पार्ट है। इसका मतलब क्या है? सॉफ्ट पैलेट का जो लास्ट पार्ट होता है वो नीचे फ्लैप जैसा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इस फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इवला। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि ये जो इवला दिखाई दे रहा है, तो नंबर तीन जो स्ट्रक्चर हमारे डायग्राम में है, जो मैंने मार्किंग की हुई है 1, 2, 3, यस सर, वो तीसरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इवला। अब ये इवला ऐसे घंटी की तरह स्ट्रक्चर होता है, जब आप खाना अंदर लेते हैं तो ये इवला ऊपर की तरफ बंद होता है, ये ऊपर की तरफ ऐसे बंद होता है ना, ये ऊपर की तरफ ऐसे बंद होगा, है ना। तो इवला बंद किसको करता है? इवला बंद करता है नेसोफेरिंग्स को। तो आपको मालूम है कि जो दूसरा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। तो एक फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, नेसोफेरिंग्स। ये जो इवला होता है वो नेसोफेरिंग्स को क्लोज करता है। अब आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि ये जो पैलेट है उसका फंक्शन क्या होता है, यस सर। तो ये जो पैलेट होता है वो बोलस को फॉर्म करने में मदद करता है। अब ये बोलस क्या होता है? जब भी आपके माउथ में खाना आता है ना, यस सर, तो हमारा जो टंग है ना वो फूड को हार्ड पैलेट पे प्रेस करता है, यस सर, हार्ड पैलेट पे प्रेस करता है, और हार्ड पैलेट से होते हुए फूड पीछे सॉफ्ट पैलेट की तरफ जाता है, फूड जाता है। तो उसको एक मिनिमम साइज़ मिलती है, तो वो मिनिमम साइज़ को बनाने का जो काम होता है
उसमें पैलेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यस सर, पैलेट का जो सरफेस होता है, हार्ड पैलेट का जो सरफेस होता है वो थोड़ा इरेगुलर होता है, उसको हम लोग रूगे बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे इरेगुलर चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, यस सर, उसको हम लोग रूगे बोलते हैं। रूगे का मतलब होता है इरेगुलर सरफेस एरिया, यस सर, इरेगुलर सरफेस एरिया को हम लोग रूगे बोलते हैं, यस सर। सो बोलस एग्जैक्टली होता क्या है पहले ये डिफाइन करते हैं। बोलस मिनिमम साइज ऑफ फूड है जो ईसोफेगस से या फूड पाइप से पास होता है। इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? बोलस इज द मिनिमम साइज ऑफ फूड विच पास थ्रू द ईसोफेगस, यस सर। और बोलस को फॉर्म करने में पैलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, यस सर। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ बोलस। बोलस का डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मिनिमम साइज ऑफ फूड विच पास थ्रू ईसोफेगस इज कॉल्ड बोलस, इज दैट क्लियर? तो आपको ये डायग्राम भी क्लियर है और आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। और ये याद रखना कि इवला क्या है, इवला एक डाउनवर्ड इलॉन्गेटेड फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है। जब फूड पास होता है तो ये ऊपर की तरफ मुंह होता है और ये बंद करता है नेसोफेरिंग्स को। इस तरीके से क्या होता है, आपका जो खाना है वो नाक में नहीं जा पाता है ना। तो अगर ये ओपनिंग ऊपर की तरफ रहेगी तो खाने के पार्टिकल ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इवला इस चीज़ को होने से रोकता है, यस सर। तो अब हम लोग अगले पार्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं। आपको मालूम है कि माउथ का जो दूसरा पार्ट है वो टीथ है। सो लेट अस टॉक अबाउट नाउ टीथ। सो जब हम इंसान के दांत के बारे में या टीथ के बारे में बात करते हैं, यस सर, तो ह्यूमन टीथ के तीन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो आपको अच्छे से रट्टूफाई करना है, अच्छे से समझ के लेना है ना। तो ह्यूमन टीथ हैज़ थ्री इम्पॉर्टेंट फीचर्स, यस सर। पहला फीचर्स है जिसको हम बोलते हैं थीकोडोंट, दूसरा फीचर है डायफायोडोंट और तीसरा फीचर है हेटरोडोंट। तो ये तीनों डोंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। डोंट का मतलब क्या होता है? डोंट का मतलब होता है टीथ, यस सर। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे टीथ की, उसको हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। ये थीकोडोंट क्या होता है जरा हम इसको समझते हैं, यस सर। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप उसमें समझिए। अब इंसान के टीथ में, इंसान का जो टीथ होता है वो जॉ के अंदर रहता है, यस सर। सो ये एक बोनी स्ट्रक्चर, ये बोन है। इस बोन को हम बोलते हैं अल्वियोलर बोन या जॉ बोन। अब ये जो अल्वियोलर बोन है, ये बोन के अंदर देयर इज अ कैविटी। आप ये देख सकते हैं कि ये कैविटी है। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं सॉकेट। सॉकेट वर्ड का मतलब होता है कैविटी और कैविटी का मतलब होता है खाली जगह या ओपन स्पेस, यस सर। तो थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? द ह्यूमन टीथ इज इंसर्टेड इनटू, इंसर्टेड होना मतलब इम्बेडेड होना, इम्बेडेड होना मतलब धसा होना या दबा होना, यस सर। सो ह्यूमन टीथ इज इंसर्टेड इनटू द बोनी कैविटी ऑफ सॉकेट, यस सर। सो इंसर्टेड दांत को हम लोग थीकोडोंट बोलते हैं। कुछ जानवरों के जो दांत होते हैं वो सरफेस पे ही रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, है ना। वो धसे हुए नहीं होते जॉ बोन के अंदर। बट हम लोगों का जो दांत होता है, आवर टीथ इज इंसर्टेड और इम्बेडेड इन द बोनी कैविटी, और इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं
सॉकेट। अब आप ये बिल्कुल समझना चाहते रहेंगे कि ये कैसे इंसर्टेड रहता है। अगर ये इंसर्टेड है तो ये क्या निकल सकता है? तो इसका जवाब होगा कि ये इजीली नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि ये बोन और ये टीथ दोनों एक दूसरे से लिगामेंट से जुड़े होते हैं। हर एक जो दांत होता है उसके सराउंडिंग में पेरीडोंटल लिगामेंट होता है जो इस बोन को, इस टीथ को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। कैसे? ऐसे। यस सर। तो ये एक लिगामेंट है। यस सर। बोन बोन लिगामेंट, लिगामेंट वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। डेफिनेशन है लिगामेंट का, लिगामेंट वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है जो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट कर जाता है। बोन बोन लिगामेंट BBL इसका ये ट्रिक कहलाता है। यस सर। सो इसको हम बोलते हैं पेरीडोंटल लिगामेंट। पेरी मतलब सराउंडिंग, डोंटल मतलब टीथ। पेरी मीन सराउंडिंग, डोंटल मतलब टीथ, लिगामेंट मतलब लिगामेंट। ऐसा लिगामेंट जो दांत के सराउंडिंग में है, टीथ के सराउंडिंग में है और दूसरे बोन से जोड़ता है, पेरीडोंटल लिगामेंट। इज दैट क्लियर? सो इसको हम लोग पेरीडोंटल लिगामेंट बोलते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो आई थिंक थीकोडोंट का मतलब आपको समझ में आ गया है। अब इसी दांत के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम वो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, है ना? ये हमारी टीथ का सबसे बाहर का लेयर है। यस सर। इस सबसे बाहर के लेयर को हम बोलते हैं इनमल। यस सर। क्या बोलते हैं? इनमल। इनमल के बाद, इनमल के बाद दे इज अ दिस पार्ट, ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। है ना? देन लास्ट में जो बचा हुआ पार्ट है इसके अंदर, इसको हम लोग बोलेंगे पल्प कैविटी। इसके अंदर ब्लू कलर का वेन होगा, इसके अंदर रेड कलर का आर्टरी होगा, येलो कलर के इसके अंदर नर्व्स होंगे, नर्व सप्लाई भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। यस सर। सो इसको हम लोग बोलेंगे, आखिरी पार्ट को पल्प कैविटी बोलेंगे। यस सर। तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे रिलेटेड जो रियल डायग्राम है वो आप स्लाइड में देखें। यस सर। वहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि जो नंबर वन लिखा हुआ है, जो नंबर वन लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको? अल्वियोलर बोन। और ये अल्वियोलर बोन के अंदर मैंने हाथ से लिखा हुआ है सॉकेट, बोनी कैविटी सॉकेट। देन आप नंबर टू देख सकते हैं पेरीडोंटल लिगामेंट जो इसको सराउंड किया हुआ है। यस सर। नंबर तीन आप देख सकते हैं सबसे बाहर का रीजन कॉल इनमल, फिर उसके नीचे डेंटाइन पार्ट है और डेंटाइन पार्ट के नीचे लास्ट में, यस सर, नंबर पाँच इस कॉल पल्प कैविटी है ना, और 6, 7, 8 ये हमारे दांत के हिस्से होते हैं। यस सर। तो ये जो शाइनी पार्ट होता है इसको हम क्राउन बोलते हैं। ये जो पार्ट जो गम से कवर्ड होता है उसको नेक बोलते हैं। एंड देन लास्ट पार्ट को हम लोग रूट बोलते हैं। यस सर। जो इम्बेडेड होता है, इंसर्टेड होता है। यस सर। तो आई थिंक यहाँ पे भी क्लियर है और ये डायग्राम में भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर है। नंबर वन अल्वियोलर बोन, उसके अंदर कौन है? सॉकेट है। नंबर टू पेरीडोंटल लिगामेंट,
नंबर 3 इनेबल, नंबर 4 डेंटाइन, नंबर 5 पल्प कैविटी, नंबर 6 क्राउन, नंबर 7 इज कॉल नेक, नंबर 8 इज कॉल रूट। तो ये हमारे दांत के हिस्से होते हैं। यस सर, तो ये जो शाइनी पार्ट होता है इसको हम क्राउन बोलते हैं। ये जो पार्ट जो गम से कवर्ड होता है उसको नेक बोलते हैं। एंड देन लास्ट पार्ट को हम लोग रूट बोलते हैं। यस सर, जो इम्बेडेड होता है, इंसर्टेड होता है। यस सर, तो आई थिंक यहाँ पे भी क्लियर है और ये डायग्राम में भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर है। नंबर 1 अल्वेलर बोन, उसके अंदर कौन है, सॉकेट है। नंबर 2 पेरिडोंटल लिगामेंट, नंबर 3 इनेबल, नंबर 4 डेंटाइन, नंबर 5 पल्प कैविटी, नंबर 6 क्राउन, नंबर 7 इज कॉल नेक, नंबर 8 इज कॉल रूट। तो यस सर, ओके। अब हम लोग ये समझते हैं कि इनेबल और डेंटाइन दोनों में क्या डिफरेंस है। यस सर, और फिर हम कॉन्सेप्ट को पल्प कैविटी के बारे में सीखते हैं और फिर हम थिकोडॉन्ट के बाद अगली प्रॉपर्टी के बारे में फोकस करते हैं। यस सर, ओके। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट में इनेबल और डेंटाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये जो इनेमल होता है ये आपके बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ योर बॉडी, है ना। अब ये जो हार्डेस्ट मटेरियल है इसको हमारे बॉडी में कौन से सेल बनाते हैं, तो एक सेल्स होता है जिसको हम बोलते हैं अमीलो, एक सेल्स होता है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इनेमल को किसने बनाया, इनेमल को अमीलोब्लास्ट ने बनाया, और अमीलोब्लास्ट एक एक्टोडर्मल ओरिजिन है, पक्का। और डेंटाइन को किसने बनाया, डेंटाइन हमारे टीथ का मेजॉरिटी पार्ट है, या मेन कंपोनेंट है, या मेजर पार्ट है। और इसको किसने बनाया, इसको ओडोंटोब्लास्ट के सेल्स ने बनाया। और ये जो ओडोंटोब्लास्ट है ये मीजोडर्मल ओरिजिन है। यस सर, आप सभी को बचपन से पता है कि हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हमारे एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर थे, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। यस सर, तो ये हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी है, इट इज सिंथेसाइज बाय अमीलोब्लास्ट सेल एंड इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। डेंटाइन इज अ मेन पार्ट ऑफ टीथ, इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ टीथ। ओडोंटोब्लास्ट इसको सिंथेसाइज करता है। एंड नंबर 3 इट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। यस सर, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इनेमल जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट से बना होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है और इसका काम होता है चीविंग करने में। ये आपके दांत का शाइनिंग पार्ट है। इज दैट क्लियर, पक्का, वेरी गुड। पल्प कैविटी के बारे में मैं आपको बता ही दिया हूँ। पल्प कैविटी क्या होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं। इसके अंदर सेल्स भी पाए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन था थिकोडोंट का। तो थिकोडोंट का मतलब अच्छे से समझना, थिकोडोंट वो दांत कहलाता है जिसमें ऑर्गेनिज्म का दांत बोन की कैविटी में इंसर्ट हो जाता है। इंसर्ट होने के बाद वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ जाते हैं उस स्ट्रक्चर का नाम पेरिडोंटल लिगामेंट कहलाते हैं। यस सर, हमारे दांत की दूसरी प्रॉपर्टी है इस कॉल एज अ हेटरोडोंट। यस सर, 3 प्रॉपर्टी है, थिकोडोंट, हेटरोडोंट, डायफायोडोंट। तो पहले हम हेटरोडोंट सीख लेते हैं। यस सर,
हेट्रो मतलब डिफरेंट, डॉन्ट मतलब टीथ, हेट्रो मतलब डिफरेंट, डॉन्ट मतलब टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ कॉल हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट वो दांत कहलाता जिसमें चार अलग अलग टाइप के दांत आता, पहले का नाम इंसीजर, दूसरे का नाम कैनाइन, तीसरे का नाम प्री मोलार और चौथे का नाम मोलार कहलाता। तो हेट्रोडॉन्ट का मतलब होता है देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। जो पहला दांत होता है इंसीजर, यस सर, आपको ये समझ में आ जानी चाहिए बात कि इंसीजर जो होता है वो कटिंग के काम में आता है, कैनाइन जो होता है वो टीयरिंग के काम में आता है, टीयर करना, चीरना, फाड़ना, टीयरिंग के काम में, जबकि प्री मोलार एंड मोलार दोनों प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्राइंडिंग और क्रशिंग, चबाना, ग्राइंड करना, क्रश करना। तो ये हेट्रोडॉन्ट भी आपको समझ में आ गया, हेट्रो मतलब डिफरेंट, डॉन्ट मतलब टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलार, मोलार, यस सर। तो ये भी बात मैंने आपको बता दी। अब हम लोग तीसरे हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं, या तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायफायोडॉन्ट। अब ये डायफायोडॉन्ट क्या होता है? डायफायोडॉन्ट का मतलब ये होता है कि इंसानों में दो सेट में आते हैं। डायफायोडॉन्ट, डाय मतलब टू, फायो मतलब सेट, डॉन्ट मतलब टीथ, टीथ अराइज इन टू सेट, कितने सेट में? डायफायोडॉन्ट वो प्रॉपर्टी कहलाता जिस जो हमको ये बता जाता कि इंसानों में दांत दो सेट में आता, पहला जो सेट कहलाता जिसको हम मिल्क टीथ कह जाता वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता, इसलिए वो टेम्परेरी टीथ भी कहलाता, वो गिर जाता, झर जाता, टूट जाता, इसीलिए हम उसको डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं। और जो दूसरा दांत होता है जब वो आता फिर नहीं जाता, यस, उसको हम परमानेंट टीथ कह जाता, वो एडल्ट में ही आता, इसलिए उसका दूसरा नाम एडल्ट टीथ कहलाता। तो आपको ये बात समझ में आ गया है कि डायफायोडॉन्ट का मतलब क्या होता है। डायफायोडॉन्ट का मतलब होता है कि टीथ दो सेट में आता है, पहला सेट को हम मिल्क टीथ बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ बोलते हैं या डेसिडियस टीथ बोलते हैं, और जो दूसरा सेट है उसको हम परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ हम इसको बोलते हैं। यस सर, मैं चाहता हूँ कि आप इस मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ को आप वहाँ पर देख लें। यस सर, फोकस कीजिए, आप देख सकते हैं कि मिल्क टीथ में दो इंसीजर आते हैं, एक कैनाइन आता है और दो मोलार आते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? तो डेंटल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? यस सर, इस चार्ट को आप देख के आप ये डिफाइन करो कि हम डेंटल फार्मूला कैसे एक्सप्लेन करेंगे। डेंटल फार्मूला ऐसे हम लिखेंगे, 2/2 इंसीजर। डेंटल फार्मूला होता क्या है? डेंटल फार्मूला है ना, डेंटल फार्मूला आपका ये जो सिमेट्री है बायलैटरल सिमेट्री है ना, ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन के राइट साइड में दांत हैं और लेफ्ट साइड में दांत हैं, है ना। तो राइट साइड में जितने दांत हैं उतने ही दांत लेफ्ट साइड में भी हैं, है ना। तो डेंटल फार्मूला हमेशा हाफ हाफ जॉ का होता है, हाफ अपर जॉ यानी हाफ लोअर जॉ। यस सर, तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टीथ पता लगाना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा दो से, क्योंकि डेंटल फार्मूला आधे पार्ट का है, आधे अपर जॉ आधे लोअर जॉ, तो
लेफ्ट को भी कैलकुलेट करना होगा ना, तो लेफ्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करने का डेंटल फार्मूला से दो से, तो अपने को टोटल 3 पता चल जाएगा। आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, तो हमारे हमारे डेंटल फार्मूला में राइट साइड में 2x2 इंसीजर है। 2x2 इंसीजर का मतलब क्या होता है, दो इंसीजर ऊपर है, दो इंसीजर नीचे हैं। बट ये किस किस साइड के बारे में बात हो रही है, ये खाली एक साइड के बारे में बात कर रही है। आपको राइट लेना है राइट ले लीजिए, लेफ्ट लेना है लेफ्ट ले लीजिए। 2x2 इंसीजर, 1x1 कैनाइन, 2x2 मोलार। समझ में आया आपको, इज दैट क्लियर? लेकिन अगर यही डेंटल फार्मूला मैं परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ का करूँगा तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हम एडल्ट का देख लेते हैं, डेंटिशन कैसे होता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2x2 इंसीजर है, 1x1 कैनाइन है, और 2x2 प्री मोलार है, और तीन लास्ट के जो तीन दांत हैं वो मोलार हैं। तो डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। 2x2 इंसीजर, 1x1 कैनाइन, 2x2 प्रीमोला, 3x3 मोलार। यस सर, तो मैंने आपको ये बता ही दिया हुआ है। मैंने क्या बता दिया हुआ है कि ये जो डेंटल फॉर्मूला है ये ओनली हाफ पार्ट का है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन, डेंटल फार्मूला रिप्रेजेंट ओनली हाफ ऑफ द जॉ टीथ। टू डिटरमाइन अदर हाफ वी नीड टू मल्टीप्लाई विद द टू, हमको इसको दो से मल्टीप्लाई करना होगा। यस सर, तो जरा हम दांत पता लगाते हैं। यस सर, एवरीबडी फोकस हियर। ये दो इंसीजर है, दो इंसीजर है, एक कैनाइन है, दो मोलार है, है ना? तो यहाँ पे कौन अब्सेंट है, प्री मोलार अब्सेंट है। नीट सबसे पहले आपको यही सवाल पूछेगा कि मिल्क टीथ में, टेम्परेरी टीथ में या डेसिडियस टीथ में कौन सा टीथ अब्सेंट होता है। तो आप समझ लीजिए, प्री मोलार टीथ इज अब्सेंट इन मिल्क टीथ। तो ये अब्सेंट रहता है। 2+1 3, 3+2 5। तो 5 ऊपर हैं और 5 नीचे हैं, और टोटल कितने दांत हैं पता लगाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। आप इसको डिवाइड मत कर लेना, है ना, ये डिवीजन नहीं है, ये एडिशन करना है आपको। तो 5 और 5 10, 10 × 20। तो मिल्क टीथ में 20 दांत होते हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। जबकि यहाँ पे 2+1 2+1 3 3+2 5 5+3 8, 8 ऊपर है, 8 नीचे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 32। यस सर, 32 है। इसका मतलब यहाँ पे एडल्ट में हमेशा 32 टीथ होते हैं। तो ये सब दांत के बारे में हम और भी डिटेल यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। यस सर,